इस्मत चुगताई दियाँ चोणवीं कहानियाँ जो महिंदर बेदी जैतों द्वारा अनुवादित हैं दी कहानी है निक्की जी गल। क्यों बई समझ गया ना? बस आ निक्की जी गल है सारी। वकील साहब ने रतागां वाल चुक के उस पतलू जे मुंडे नूं पुछिया सी ते गोपाल सिंह दा मूर्त वर्गा चेहरा पीला पै गया सी। पसीने दियां धारियां जियां उहदियां पुड़पुड़ियां हेठ फुट रही लवी भूरी दाढ़ी च वग रही सन ते अपने पुठे हथ नाल पसीना पूंज रहा सी। फिर उन्हें अपनियां उनींदियां अखां दियां मणमण भरियां पलकां उतां चुकियां ते उहदियां अखां विच देख के वकील साहब सहम गए सन। चिट्टे डेलियां विचकार सुनहरी पुतलियां इंज थिरक रही सन जिवें दुध दे भरे कटोरियां च सुनहरे फुल दियां पत्तियां। अल्लाह पाक ने इन्हां अखां नूं पता नहीं किन्नियां रातां जाग के बनाया होएगा। नहीं वकील साहब, गोपाल ने लम्मा हौका खिंचिया तो उहदी धौन कुछ होर नीवी हो गई। ओ यारा, ऐनी क गल भी तेरी अकल च नहीं आ रही भी रखी नाल तेरे नजायज़ संबंध सन ते तुसीं दोवें रात नूं? नहीं, गोपाला झलिया वांग सिर मारन लग पिया सी जिवें किसी अधिक फाहे जो अपनी गर्दन छुड़ाउण दी कोशिश कर रहा होए। इंज ना आखो वकील साहब, इंज ना आखो सरदार जी। वकील साहब ने खिज के मेज़ उत्ते मुक्का मारिया। मेरा वक्त क्यों बर्बाद करते पे हो? तुहाडा पुत्र मरना ही चाहता है तो कोई भी वकील उहदी जान नहीं बचा सकता। वकील जी, गोपाल दा बुढ़ा प्यो रोण लग पिया। मेरा इक्को एक पुत्र है वकील जी, इहदी जान बचा लो जी। इस च भला मेरा की कसूर है सरदार जी कि तुहाडा इक्को एक पुत्र है तो वह भी फाहे लगण ते तुलिया होया। जे इहनूं फांसी हो गई तां ते बुढ़े सरदार दियां भुब्बां निकल गईयां, गल पूरी ना हो सकी। जिवें मैं कह रहा, जे उही बयान अदालत सामने दोहरा देवे तां फांसी नहीं होएगी। इन्नी क गल इहदी समझ नहीं आ रही। इहदे दिमाग 'च गोहा भरिया होया है। रखी नाल इहदे संबंध सन। जोगिंदर ने इन्हां नूं रंगे हत्थीं फड़ लिया, उहदे सिर ते खून सवार हो गया। ਉਹ ਗੰਡਾਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੰਡਾਸਾ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਗੰਡਾਸਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਏ। ਗੋਪਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰਾ, ਬੁੱਢੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰਤਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਦਲਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। इन्ने मायूस वो कदी नहीं सी होए। वह बड़े रुखे निर्मोही ते कारोबारी जे आदमी सन। पता नहीं किन्ने चोरां डाकुआं कातलां ते दिमागी मरीजां नूं फांसी दे तख्ते तो मोड़ लिआए सन। कदी किसी मुकदमे 'च उन्हां ने जज्बात नूं पहल नहीं सी दित्ती, पर इस बुढ़े सरदार दे इस पतलू जे मुंडे नूं देख के पता नहीं किहड़ी गुज्जी सट दिल उत्ते लगी कि वह बेवस जे हो गए सन। रब दी कुदरत किन्नी सोहणी सूरत सी बदनसीब दी। जापदा सी चन्न दा बूटा, नरम सिल्ली मिट्टी चों फुट निकलिया। गोपाल सिंह, फांसी लगदी वेखी है कदी? नहीं जी। जाणदा पुत्तर, फांसी किड्डी भैड़ी चीज़ हुंदी है। अखां दे डेले गल्लां तक लमकण लग पैंदे ने, जीभ बाहर निकल आउंदी है ते धौण हत्थ लम्मी हो जांदी है। वकील साहब बड़ी भयानक ते कुरख्त आवाज़ 'च बोल रहे सन जिवें गोपाल नूं डरा रहे होण ते उहनां नूं अपनी पिठ उत्ते भी कंन खजूरे तुरदे होए महसूस होए। गोपाल दे बुल फरके ते दंदा हेठ हथेली नप के रोण लग पिया। दुध दे कटोरियां च तैरदियां सुनहरी फुल दियां पत्तियां हिलण डुलण लग पईयां। तू रखी नूं बचपन तो जानदा है ना? वकील साहब ने गल रता घुमा के तोरी। आहो जी, इन्ने इन्ने हुंदे कट्ठे खेडदे रहे ने जी। बुढ़े सरदार ने धरती नालों 1.5 फुट उच्ची हथेली रखदियां जिवें मिणती भी दस दित्ती। गोपाल दे चेहरे उत्ते नरम नरम बचपन निखर आया। एक बार फिर वकील साहब नूं खुदा दी कुदरत याद आ गई। पता नहीं फरिश्तियां ने किन्ने चेहरियां दी मासूमियत चुरा के इस चेहरे उत्ते जाया कर दित्ती सी। इहदा मतलब यह वे कि तुसीं एक दूजे नूं बचपन तो ही जाणदे हो, चाहुंदे हो। ओ जी, बचपन तां बांदर हुंदा है, चाहना ना चाहना की जी। घड़ी च मेल ते पलां च झगड़े। आ हुणे गलवकड़ियां पाईयां होईयां ने ते हुणे जुंड मजुंडी। ते रखी तां मिर्च सी। मिर्च किसी नाल उहदी 2 घड़ियां नहीं सी बनदी। एक गोपाल सी बेचारा जिहड़ा उहदी नादरशाही झल लैंदा सी। बुढ़ापे की घरोड़ जो सी एदा दिल भी बुढ़ा सी। रखी फटकार दिंदी तो बूथी लमका के माँ के गोडे मोढ़ा बैठता तो जदों फिर वह चित करदा आवाज़ मार लैंदी तो नट के उहदे कोल जा पहुँचता। जरा वड्डी हुई तो चानचक गोपाले तो फ्रंट हो गई। होर कुड़ियां दी टोली च सिर जोड़ के बैठी पता नहीं की की गल्लां करदी रहिंदी। मुंडे बड़े खराब हुंदे ने, उन्हां दे मन च खोट हुंदी है। रखी ने गोपाल नूं समझाया तो समझ गया, फिर उहदे मन च भी खोट पुंगरन लग पई सी ते फिर रखी नूं भी उस खोट च रुचि हो गई सी। कदे रुस जांदी कदे मन बहंदी। सोच लवीं गोपालिया, जे कदी तू मेरे नाल प्यार प्यूर दी गल कीती तां चंगा नहीं होना। चाची नूं दस के इन्नियां जुत्तियां पवावांगी कि पग ढिलक जूगी तेरी। चल पर भूत नहीं जीना होए तां मैनू हल्के कुत्ते ने वड्डिया, तैनूं प्यार करांगा। गोपाल हिरख गया, क्यों शैताना मेरे च की बेजे, काली कुझियां लंगड़ी लूलियां काणियां जो तू मैनू प्यार नहीं कर सकदा। बोल ते लड़ पैंदी। बस मेरी मर्जी, चित करू करूँगा ना करूँ ना करूँगा। गोपाला आकड़ जाता, आहा हा 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 वड्डा आया मर्जियां वाला, चल जा चुल्हे च पै। वह हिरख जाती तो कई के दिन नक बुल वट्टी फिरती रहिंदी। गोपाले की दुनिया सुन्नी हो जाती। वह भी कमलिया वांग इधर उधर भौंदा फिरदा तो फिर पता नहीं रखी दी केड़ी रग फड़कदी तो वह ढैली पै जाती। हाय वे गोपालिया, तेरे बगैर किंज जीवांगी मैं तो संखियाँ खा के सुत्ती रह जावांगी। गोपाले के मूँह ते भी रौनक आ जाती। अखां नशिया जांदियां ते फिर चानचक पलट के फण मारदी, क्यों है तू समझ की रखिया, इहों दीदे पाड़ पाड़ के झाकदा है, कसम नाल दीदे भन देंगी। वह बगैर किसी गल तो ही भड़क उठदी। खुदा ने औरत ते मर्द विचकार एक इहो जिहा तूफान बनिया होया है, एक घुट अमृत एक घुट जहर। कदे गुस्से च प्यार, कदी प्यार च गुस्सा, दोवां विच सुख ही सुख, दोवां च दुख ही दुख। वे गोपालिया इधर मैं नहा रही हाँ, तू परम मूँह भुआ के बैठा रवीं ते जे इधर वेख्या तो वाहगुरू तेरिया अखां पट्टम कर दू। गोपाले ने सिर्फ मूँह ही परा नहीं सी कीता, बल्कि उठ के पत्थर की ओट च भी चला गया सी ते रखी बुरा मन गई सी। जदों रखी दीआं चीकां सुन के उन्हें सणी कपड़ी पानी च छाल मारती सी तो कंडियाली झाड़ी बन बैठी सी। उहदा मूँह वलूंधर छड्डिया सी ते बड़ियां गालां कड्डियां सन ते उहदे केसां नाल झूट गई सी ते गरीब मसां डुब्बणों बचिया सी। तैनूं की चट्टी पई सी मैनूं डुब जाण दिंदा, दस सूरा मैं तेरी की लगदी सां। ते गोपाले ने रोस प्रगट कीता तो मिहणे मारन लग पई सी। जदों विचारा शर्मिंदा जिहा हो के पानी चों बाहर आउण लगा तो ढैली पै गई। चल कर्मा सड़िया, हुण तां तू मैनूं वेख ही लिया, नाले तेरे कपड़े भी भिज गए ने, उधर पत्थर दे सुकणे पा ते तू भी नहा लै। मुश्क भी मारदी है तेरे चों, पर खबरदार इधर ना वेखी, परले पासे ही नहावी। हाँ ते परले पासे किस नहाउणा सी ते नाले कई दूरियां डाढ़ियां खतरनाक हुंदियां ने ते नेड़े रहण वालियां दा बेपर्दा होण दा खतरा मुक जांदा है। शरबती ने दूरों ही वेख लिया सी ते रौला पाता सी। हालांकि गोपाला अपने जूड़े च फसी रखी दी नाथी कढ रहा सी, पर शरबती ने बड़ी हाहाकार मचाई ते रखी दे पिओ नूं जा दस्सिया सी। वाह वाह बोल बुलारा होया ते मसी रखी दी नक्क कट्टी जाणों बची। सारे पिंड च हाहाकार मच गई सी। रखी दे शराबी प्यो ने उन्होंने काफ़ी कुटापा चाढ़िया, वालों तो फड़ के सारे विहड़े च घड़ीसिया ते कई डंग भुखी प्यासी नूं कोठड़ी च डक्की रखिया सी। ते गोपाल सिंह होरी इन्ना डर गए सन कि घरे आउंदियां नूं बुखार ने मैं वांगू ढा लिया सी ते दूसरे दिन जे उस टाइफाइड बुखार सदका घरदियां नूं उहदी जान की फिक्र ना पै गई हुंदी तां भान सिंह ने गंडासी नाल उहदी धौण ही ला छड्डणी सी। ते 2 महीने ताईं वो जिंदगी ते मौत के विचकार लगातार झूलदा रहा। तो जिस दिन रखी दा विआह जोगिंदर नाल होया उसे दिन वैद जी ने उहदी जिंदगी दी उम्मीद छड़ दित्ती सी। ते फिर जदों हौली हौली टुर के धुप्प च जा बैठण दे काबल होया तां लोकी तलाव वाले हादसे नूं भुल चुके सन। उंज पिंड दे इतिहास 'च कोई खास जां बेमिसाल घटना भी नहीं सी। तां ठीक हो जाण पिछों तैनूं रखी दे विआह जाण दा अफसोस तां होया ही होएगा, वकील साहब ने पूछया। गोपाल सोची पै गया। ठीक होके तो कई दिनों ताईं रोटी नूं ही तरसदा रहा सी। वैद जी कहंदे सन सिर्फ पतली पतली दाल दिओ ते उहदा जी करदा सी भी सारी दुनिया नूं हड़प कर जावां। ते फिर जदों माड़ी मोटी जान पई तो काम ते जाण लग पिया सी। रखी सजी सजाई सहेलियां नाल टपू टपू करदी फिरदी, गहणे कपड़े विखाउंदी। वो अंदरे अंदर कुड़दा तीवें दी ज़ात ही कमीनी हुंदी है, गहणे कपड़े पाओ ते दासी बना लो। इउं सोच के उहदा कालजा ठर जांदा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। बड़ी सुर चुगाउंदी सी साली। हाय वे गोपालिया, तेरे बिना किन जीवांगी मैं, ते नामुराद कर्मा सड़ी चंगी भली जियों रही सी। जा परां तू किधर दा वड्डा गिरधर बन गया वे, तू तो सिर्फ गोपाला है गोपाला। ओए तू मेरा कुछ नहीं हो लगदा। हाँ, तो एक दिन वो दाल मंगण आई सी ते गोपाले नूं चढ़ाउण लग पई सी, पर पता नहीं क्यों गोपाले दा रोण निकल गया सी ते खिड़खिड़ करके हस पई सी। हाय मैं मर जावां, कदी मर्द भी रोंदे ने, मर्द तां रोंदे ने। जोगिंदर तैनूं जी खोल के रुआऊ, उन्हें खिज के आख्या सी। रुआऊ तां रोवांगे, हसाऊ तां हसांगे, साडा मालिक जो होया। गोपाल दा जी कीता सी रखी दे मूँह ते चंड मार के उहदे निक्के निक्के दंद चौला वांग खिलार देवे, पर उन्हें औरत उत्ते हथ चुकना नहीं सी सिख्या। उठ के तुरन लगा तो रखी सहम गई। क्यों गोपाल सिंह जी नाराज़ हो गए कि? ना जी, इंज नाराज़ ना होवो। उन्हें उहदे हथ फड़ लए सन। हाय जे तुसी सचमुच रुस के चले गए तो मेरे प्राण ही निकल जाणगे। सच पुछदा गोपालिया, तो तू ही मेरा सब कुछ है। दो चार धौल धप्फे मार लै पर नाराज़ ना हो। तो फिर उसकी आवाज़ भरड़ा आ गई सी। संजोगों की गल है मेरे मितवा, तेरा तो मेरा तो कई जन्मां का नाता है। तू नहीं हो मेरा गिरधर गोपाल तो होर कौन है? वे गोपाला, कदी भीड़ संघेड़ आ गई तो मैं तैनूं ही बुलाना है। मेरी रक्षा खातर अपना चक्कर घुमांदा आवेंगा ना? वचन दे। गोपाल उन्होंने परां धरीक के उत्ते चुबारे च जा पिया ते उन्हें रखी नूं कोई वचन नहीं सी दिता, पर की वचन देना जां ना देना उहदे अपने वस च सी। जदों भी आउंदी अपने पति दे गुण गाउण लग पैंदी। हाय राम की दसां, मैनूं बड़ा ही प्यार करदा है। उहदीआं अखां च परियां दे नाच हो रहे हुंदे ते गोपाले दीआं नासां फड़कण लग पैंदियां। उह फिर हस पैंदी। गोपालिया तू मेरे गभरू ते सड़दा है? उह चिड़ाउंदी। ते जुतियां नाल जदों तेरी मुरम्मत कर रहा हुंदा है उदों? हाँ करदा है, फिर प्यार भी तो डाडा करदा है ना। वो बदकार तीवियां वांग डेले नचा के आखदी, सारे खावन दी अपनियां तीवियां दी मुरम्मत करदे ने। जे तेरे नाल विआही हुंदी तो तू बख्श दिंदा? तू भी तो छित्तरपौला करदा ना? कदी नहीं, सच कदी प्यार नाल भी नहीं। पर रखी दा इह हासा ठट्ठा बड़े थोड़े दिन चलिया सी। अजे पूरा साल भी नहीं सी होया कि जोगिंदर कई कई दिन घरों गायब रहन लग पिया। तो जदों आउंदा नशे च गुट हुंदा ते रखी नूं अजिहा कोटापा चढ़दा कि महल्ले च जाग हो जाती। सब पासियों गालां दा बरड़ाट हुंदा ते फिर चुप वरत जांदी। तीजे चौथे दिन फिर यही ड्रामा हुंदा। फिर तां नित दिहाड़े दा काम हो गया सी। रात अद्धी होई नहीं ते रखी दे चिकाटे पए नहीं। ते महल्ले वाले भी हुण इधर बहुता गौर नहीं सी करदे। कोई ज़्यादा ही आफत मचदी तां माड़ा मोटा ध्यान दिंदे, पर गोपाले दे कन्नां च रखी दीआं चीकां सूहे तोड़ बन के पूर जांदियां। हौली हौली रखी दे गहणे लोप हुंदे गए। जोगिंदर कई कई हफ्ते घरों बाहर रहन लग पिया। नौकरियां भी उहने कई बदलियां पर किते टिक ना सकिया। रखी बीमार हो गई। गर्भपात पिछों उहनूं औरतां वालियां कई बीमारियां लग गईआं। हुण उह घरों बाहर भी घट ही निकलदी सी। ते जदों पति पत्नी का निरादर करे, उन्होंने कुट्टे मारे तो लोग भी पत्नी नूं ही कसूरवार दसदे ने। रखी दे निक्के मोटे सारे ऐब उगड़ आए सन। लोग मूँह ते ही कहन लग पए सन। एक दिन वो तलाब तो पानी भर के लिया रही सी तां राह विच गोपाला मिल पिया। रखी दे मैले पुराने कपड़े, खुश्क खिलरे वाल, उड्या उड्या पीला चेहरा वेख के बड़ा ही दुखी होया सी। वह बड़ी मुश्किल नाल बाल्टियां चुक के तुर रही सी। गोपाला उहदे सामने जा खलोता। गोपालिया ने करड़ी आवाज़ च कहा, मेरा रास्ता छड़ दे। उसा हो साई हुई सी पर बाल्टियां भुंजे नहीं सी रखियां। कल रात तेरे पति दे प्रेम करन दियां खासियां जोरदार आवाज़ां आ रही सी। गोपाले ने मिहणा जिहा मारिया सी। तैनूं की, तू कौन हुंदा पुछण वाला? मैं तेरा कोई नहीं रखीए। नहीं। रखी ने अखां चों वह चले हंझू लुकाउण खातर मूँह पुआ लिया। ना गिरधर ना गोपाल, मैनूं जाण दे गोपालिया। मैथों लुको पई है। दसन का की फायदा, कोई की बिगाड़ लेगा वह? मैं उस हरामी की गर्दन तोड़ देंगा। हाय वे चंद्रिया, तू मैनू बेवा कर देगा? हाँ, हुण तेरिया चीकां मैथों नहीं सुनिया जांदियां। तू अपने कन्ना च रूह दे तुम्बे तुन लिया कर ते मैं उहदे हलक च कृपान तुन देंगा। गोपाला हिरख नाल कंब रिहा सी। हाय राम। अच्छा मैं गां तो नहीं चिकांगी, मुँह सी लवांगी, मैनू फिर भी तेरी पुकार सुन जाएगी। यानी मैं बुलावां जा ना बुलावां, गोपाल नू चक्कर घुआंदे आना ही पएगा। वो एक पत्थर ते बैठ के झलिया वांग हसन लग पई ते फिर चानचक ही उदास हो गई। वो नामराद होर की करे, वो रंडी बड़ी दुष्ट है, रुस के पतंदर नू बाहर कढ़ के कुंडा ला लैंदी है ते फिर आदमी अपना गुस्सा भला किंज ठंडा करे। ते जे ऐतकी उन्हें तैनू कुटिया मारिया तो मैं उन्होंने मार मुकावांगा। वो लोहा लाखा होया उत्थों तुर पिया सी, पर रखी ने उहदे पैर फड़ लए सन ते उहदा सारा गुस्सा पानी हो गया सी। गोपी, उन्हें बड़ी मध्यम आवाज़ च कहा सी ते गोपाल दा चित गोते खाण लग पिया सी। की गल है? उन्हें काला जिहा पैंदियां पुछया। तेरी सूरत वेखिया जी नहीं भरदा। वो भुखिया नज़रां नाल उहदे चेहरे वल तकदी रही। मैनू जाणदे रखी, गोपाल ने जिवें मिन्नत की। हुण नट के कित्थे जाएगा गोपालिया? ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ, ਰੱਖੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਝ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਉਂਝ ਚਲਾ ਜਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕਿੰਝ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਤਾ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜੇ ਸੁਰਾਖ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ, ओ मुंशी जी, जे कान चो मैल कढ़न तो फुरसत मिल जाए तो पिछली पेशी वाली फाइल रता इधर खसका देना। वकील साहब ने एक लम्मा ठंडा साह खिंचद्या गया। सरदार जी, मुंडा लाइन ते ही नहीं आ रहा, इस गल च कोई शक नहीं कि रखी ने ओनू फाया होया सी। नहीं वकील साहब नहीं, गोपाला हफी आवाज़ च बोलिया। ओए भरावा, पता ही किन्ने मर्द इस दुनिया च शराब पींदे ने ते किन्नियां औरतां नू रोज़ कोटापा चाढ़िया जांदा है, पर असां ते अज ताईं किसी दी नींद हराम हुंदी नहीं सुनी। पर उहदियां चीकां सुन सुन के मैं पागल हो गया सां वकील साहब, ते मैं सौं खाधी सी कि उहदा कलेश ही मुका देंगा, पर मैं बड़ा ही कायर निकलिया। नैक्सट। चीकां हनेरी रात दी हिक च छेक पा रहीआं सन। लोग सारे दिन दी मेहनत दे थका देण वाले नशे च घूक सुत्ते पए सन, पर एक बदनसीब जाग रिहा सी। उहने बूहे दी कुंडी खड़काई, बूहा खुल्ला ही सी। अंदर वेख्या, जोगिंदर रखी नूं मंजे दे आले दुआले भजाई फिरदा है। रखी दी कपड़ियों सखणी देह ते उहदे चंदन वर्गे शरीर ते पईआं लासां दे निशान साफ वेखे सन, उहने जिवें सप भजे जा रहे होण। गोपाले नूं वेख के जोगिंदर ने अखां मिच मिचाईआं ते बड़े प्यार नाल पुछया, किहड़ा है तूं भरावा? इहनूं ना मार बाई ओए। गोपी ने जिवें मिन्नत जी कीती। क्यों? ओह हिरके पिया। तूं कौण है ओए? इहदा यार? नहीं ओए, तू एदा यार नहीं। क्यों? तू क्यों एदा यार नहीं भरावा? हूँ मैं भी एदा यार नहीं। मूँह तरगी बो आंदी है साली चो, जरा भी खुशबू नहीं। आ सुंघ के वेख, आ जा। ओए मैं क्या आ भी जा तो तू नशे चे जोगिंदरा। चल चंगा, एदी चुम्मियों लै ला, एन टट्टी अर्गी बदबू आऊ। ओए तू मेरा बाई है ना, मैं आखदा जदों चुम्मी तां लै के वेख। बकवास बंद कर ओए। तो फिर गोपाल तो जरिया ना गया। उन्हें हिरख के जोगिंदर का गलमा फड़ लिया सी ते कई झटके दिते सन, पर वह टस तो मस नहीं सी होया। चट्टान वांग खड़ा हसदा ही रहा सी ते गोपाल मक्खी वांग भिण भुणाउंदा रहा। अखीर जोगिंदर ने उन्होंने मक्खी वांग ही झाड़ के बाहर सुटिया ते बूहा बंद कर लिया। तो फिर रखी दीआं चीकां गोपाले दे दिमाग ते हथौड़ियां वांग वजदियां रहियां। उन्होंने दिनों च ही गोपाले लई इंदौर तो एक रिश्ता आया सी ते वो अपने बापू नाल अपनी होण वाली घरवाली नूं वेखण गया सी। उत्थे निर्मल दीआं मुस्कुराटां सन, रखी दीआं चीकां नहीं। मंगणी होई, सारे वधाईआं देण आए। रखी दे तां जिवें पैर ही भोए नहीं सी लगदे। उहनूं खुश वेख के गोपाला भी खुश सी। क्यों, किहो जी लगी? जदों सारे खिलर गए तां रखी ने गोपाले नूं पुछिआ, चंगी है? अच्छा, राणी निर्मल बारे दस, बहुती मोटी तां नहीं? नहीं, ठीक ही है। लम्मी है कि मधरी? मेरी ठोडी ताईं आउंदी है। ओए होए, हथ पैर निके निके, गोरी चिट्टी? नहीं, बहुती गोरी भी नहीं। हथ पैर हाँ निके निके ने। ते लक? लक तां पतला ही हो। लो मैनू की पता पतला कि मोटा, मैं कोई नापिया थोड़ा ही है। ओए भोले नाथा, लक दी तां सारी खेड हुंदी है। इतकी जावें तां सारे नाप लैके आवें, समझिआ? तूं अपने पति नूं नापिआ सी? लै इस वेले उहदा की जिक्र? वो हिरख गई। तू अपनी गल कर, कोई चुम्मी वगैरह लई सी कि नहीं? गोपाले ने धौन हिलाती ते मुस्करा पिया। हाय मज़ा आ गया हो, मेरा पति भी जदों प्यार करदा सी तां जिंद बुल्लां ते आ जांदी सी, सच्ची हुण प्यार नहीं करदा कि? गोपाले ने कहा। छड्ड गल्लां मेरियां जन्म जली दियां, उन्हें ठंडा हौका लिया सी। गोपाल सिया रखी अदालत च बयान देण लई तैयार है कि उहदे तेरे नाल नजायज़ संबंध सी। वकील साहब की आवाज़ गूंजी, कमीनी सूर दी बच्ची। गोपाले नूं तां जिवें चौंडी चढ़ गया सी। झूठी हरामजादी उस रखी नूं गालां कड्ढण लग पिया जिहड़ी उहदी अपनी रखी उत्ते एडे वड्डे पाप दा दाग ला रही सी। चीकां भयानक हो गईयां सन। उह रात दी संघणी चुप विच प्रेतां दीयां चीकां वांग चीर पा जांदियां ते फिर सिसकियां च डुब जांदियां, फिर गूंजदियां ते फिर गोपाल नूं नींद तो भी भै आउण लग पिया कि जे किते उहने अख लाई तां चीकां जाग पैणगीयां ते फिर नींद उखड़ जाएगी। कई बारी तो उन्हां चीकां दी उडीक विच ही सवेर तक जागदा रहिंदा सी। ना कोई चीक आउंदी ना नींद। उस रात उन्हें बड़े ठरमे नाल मणे तो गंडासा लाया ते पुली दे पत्थर नाल घसा घसा के वाहवा तिखा कर लिया। रात अद्धी तो वध बीत चुकी सी पर हाले ताईं चीकां दी आवाज़ नहीं सी आई। शायद जोगिंदर दी रंडी मेहरबान सी। गोपाल नूं नींद दे झूटे आउण लग पए ते घरे आके पै गया। पहली चीक सुन के समझिया सी उहदा भरम है जां फिर किसी बीती पुरानी चीक दी गूंज, पर रखी दियां चीकां लगातार अद्धा घंटा गूंजदियां रहियां ते उहदे दिमाग 'च आरी वांग चीर पाउंदियां रहियां। काश कि उह गंडासे नाल अपना सिर वड्ढ सकदा तां चीकां तो तां मुक्ति हो जांदी। फिर की वापरिया उहनूं कुछ याद नहीं सी। याद सी तां बस इही कि जोगिंदर रखी नूं वालां तो फड़ किसी पट्टे पुराणे लीड़े वांग छंड रिहा सी। रखी दे पिंडे उत्ते उहदी पिंजी तुम्बी खल तो बिना होर कुछ भी नहीं सी। नकसीर फुट्टी हुई सी। गाढ़ा लहू उहदियां छातियां दियां उचाणा निवाणा लंघ के गोड्यां उत्ते त्रिप रिहा सी। उहदे सुंदर चेहरे दी थां लहू भिज्जा लाल मास दा लोथड़ा ही दिस रिहा सी। जोगिंदर उहदा मत्था पावे नाल मार रिहा सी। रखी दी सज्जी बांह दी हड्डी टुट के मास चों बाहर दिस रही सी। जदों सहारा लैण लई जमीन नूं हथ पाउण दी कोशिश करदी तां लटकदा होया हथ पिछां वल मुड़ जांदा ते हड्डी कच्चे फर्श 'ਚ धस जांदी। उदों कच्ची मिट्टी दा फर्श गोपाल नूं अपनी धड़कदी होई हिक जापिया सी। इही आखरी तस्वीर उहदीआं अखां चटकी होई सी। फांसी पिछों चिता भी जिहदे अक्स नूं नहीं सी मिटा सकदी। ते फिर उहदे हत्थां 'ਚ दस्से ਉਂਗਲਾਂ अणगिणत गंडासे बन गईआं ते जोगिंदर दा सिर उहदे गैंडे वर्गी धौण नालों किसी सड़े हुए अमरूद वांग झड़ के मंजे हेठ रिड़ गया। गोपाले ने ठेडा मार के उहनूं मंजे हेठों कढिया। उहदी मिज कढती सी। गोपाले दे साह उहदे फेफड़ियां 'ਚ उलझ गए जापदे सन। दुद्ध भरे कटोरियां 'ਚ काली काली लेस जी दिस रही सी। सुनहरी पत्तियां दा रंग रता फिक्का पै गया सी। मैं जोगिंदर नूं मारिया जी ते हरेक जन्म 'ਚ मारदा रहांगा। वकील साहब दी अखां फरकियां ते पलकां झुक गईयां। बुढ़े सरदार दी उम्र दे 20 साल सुके पत्तियां वांग झड़ गए पर छाती रता चौड़ी हो गई। वकील साहब, उहदी आवाज़ 'ਚ दृढ़ता सी, मेरे पुत्र ने जिहड़ा बयान दिता है उहनूं बदलण दी कोई लोड़ नहीं। धन्नवाद।